उमा नाथ जी ने जो घोषणा की है 15 जनवरी से डट से करेंगे, लेकिन महेश पटेल कम से कम पूरे जिले में 20 से 25 हजार महिला डट लेंगे हर दुकानों पे। अगर ये हो और दुकान देखना भाव बढ़ गया, इस बीजेपी वालों का ऐसा तेल लगाएंगे कि ये जिंदगी भर की फूटेंगे। आज मध्य प्रदेश पूरे देश में महिला उत्पीड़न में नंबर वन है पूरे देश में, और अगर उस अत्याचारी भाजपा के लोगों का उनको सबक सिखाना है तो हमें एकजुट होकर इस आने वाले चुनाव में ताकत से एक कार्यकर्ता के रूप में काम करना पड़ेगा। जहां बीजेपी वाला रेल लेन आवे दूर जो भी आवला से ओला होटा डुबड़ा लेने राखी बांधो करी आवला की नहीं आवला काका साढ़े बजे कुनी कुनिया से डुबड़ा है क्या पूछो ओला सोड़ाइला ये वागरिया माइन डुबड़ा बच गई है वागरिया माइन ओला मर जाए ने चेक ओला माँ फेकर दे कि नहीं चे ये फूल वाला बच गया ये तू देख जो कि 17 वर्ष से ये बोहानी से नहीं बांधी राखी बांधते वो हमारी 50-50 बोहानीस बनाई लेती। अरे तू बनाई लेती तेनो आज पूछो कि भाई हमारे पूरे ने पूरिया ने भी आवश्यक थी ढोरिया ने मांदल ले ना आवश्यक नहीं आवश्यक थी कि ये चुनाव तक आवश्यक थी पहले कोला होती बहन अतली तो कहते कोई नहीं आवते ला कहीं काम डोरे में भरे गला हाँ गैस की टंकी बांटना मुझे फिर ही मारते पो ते तेरे जो को जो 1,000 रुपया भरा ना तो लावो हम तो 1,000 रुपया तो लावो 1,000 रुपया लावो ये हम कैसे लड़सू नहीं तो लकड़ा तुरंत मार दो अपने ते देखो जो कि हमरा पूरा भोपाल गेला ताई बदले गेला नौकरी मांगने गेला कि हम आज नौकरी लगा मुख्यमंत्री मामो तीनों आज कोई दे तो फिर पुलिस वाला दे ठुके 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 लापड़ा फिर पार कहीं का कुदार देता ओतरा ठुकिया कि बापड़ा नौकरी का ही जोड़े बापड़ा ठुके ठुके मरना क्या तोर भांजे साजे का ठुके भरी कुछ जो बना जे फूल वाला जे कुछ ही नहीं कहीं को सो भांजे साजे पूरे में हमारी का ठुकी माँ भूपाल माँ नौकरी बदले बलावती बहन कहीं कहीं काम करा भी तू 1.5 वर्ष माँ रोड बनाए देता पुलिया बनाए देता डीपी लगा देती पानी टैंकर आप दे दो ये कतरो काम करी बापड़ी बाकवन कल इनका किस्मत नहीं होता लो भगवान ऊपर बुलाए लेती आपनों तेर बदले इन्हें आज बसेस जोड़े कि आपना दिया शांति जोड़ से अगर यहाँ से आपन पूरे जीतीन ने आपना कांग्रेस उम्मीदवार जीतीन जा से तो आपना दिस सुती ने आज विवार लाख से की मारा पची जगह पर कांग्रेस जीत गया ने मारो आपना आदिवासी भाइयों काम करा से कहीं कहीं प्रधानमंत्री घर आप लोग कहे को 1 लाख में कहीं घर बंद नहीं जाए ए बाकी के गुजरात होता कमाई ला होने उद्योग बंद हो तो 4 वर्ष में घर बंद आई है 5 वर्ष में बंद आई है 1 लाख माता 1,25,000 मदा 50,000 ते स्वर्ण मंत्री खाई गई बाकी के ए ने बोला दाना बांट दे को थैली लेना बोला एक दाना एक दाना से मुझे कर मेरी तू एक जना दो एक चार एक जना बीजेपी वाला फू बना कर लेता मैं जो रपटा यानी फोन पर कि ये मैंने कहा ये कहीं तुरा आयस लगे कि पास लगे एसडीएम आजे ने कही हूँ एसडीएम आजे ने कही हूँ ये तुरा आयस ने पास लगे कि मैंने कहा फूटा लगा दिया तो हमरा भी लगा लिया कांतिलाल भिलान भी लगा दिया कहीं में इंदिरा को सर लगे भाई तो सर कई कथे लिया खुद राम फिर बैठ जाया तो हसु भी करने पड़े यो बड़वाई भी करने पड़े ये बड़वाई नहीं करते तो चल ले ये बीमारी आ जाए अपना मस्ती नहीं करनी है यहाँ पे एक बुधवार बात बता दो कि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री दारू बंद कराने को है वारु छेगनी छे दारू कौन को रन्ने के लिए पर रन्ने उठा कर ही बता दो ते ये दारू बंद कर रन्ने और ये आपका ही विभाग को मैं चेताना चाहता हूँ अगर ये सरकारी दुकानों में नकली शराब अलीराजपुर में बिक रही है मैं पुलिस प्रशासन से आगाह करता हूँ अगर नकली शराब
मगर नकली शराब दुकानों में, मध्य प्रदेश में कितने नियम है, सरकारी दुकानों में कितने नियम है, मैं आबकारी अधिकारी से पूछना चाहता हूँ कि अलीराजपुर जिले में और झाबुआ जिले में एक बाटल देने का अधिकार है एक इंसान को। इंदौर में अगर आप बाटल लेने जाओगे तो दो बाटल तीन बाटल से ज्यादा नहीं देते, भोपाल में नहीं देते, देवास में नहीं देते, लेकिन यहाँ पे आपका ही पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन मिलके अवैध नकली दारू दुकानों से ट्रकों बंद निकाली जाती है। तो मैं एसपी साहब आबकारी से निवेदन करता हूँ, जो उमा भारती ने तो घोषणा की है, उमा भारती ने तो घोषणा की है 15 जनवरी से लट से करेंगे, लेकिन महेश पटेल कम से कम पूरे जिले में 20 से 25 हजार महिला लट लेके हर दुकानों पे, अगर नहीं हुआ तो 15 तारीख से कम पूरे जिले में 25,000 महिला 15 तारीख को ऐलान करते हैं, अगर आज से दारू बननी हुई तो अगर ये आपको आपको नींद के हराम कर देंगे, क्योंकि हमारा आदिवासी भाई को नकली शराब पिला पिला के हालत खराब कर दी है। अपना जो मोड़न पियो के बांध लो, लेकिन ये नकली शराब यहाँ अपना अलीराजपुर जिला में बनने बन रहे, उसकी भी जांच होना चाहिए। ये मत सोचना कि आपको कमीशन मिल जाता है, महीना मिल जाता है, ये बंद कर देना। अगर दुकान से अगर एक भी पेटी गई या 5 पेटी भी गई तो आप लोगों को हमारे कार्यकर्ता सूचना देंगे और आपको तत्काल पकड़ के देना पड़ेगी। अगर आप लोग नहीं पकड़ेंगे तो हमारे कार्यकर्ता आपको गाड़ी पकड़ के देगी और आपको हम फोन करके बुलाएंगे, ताकि नहीं तो आप कह दोगे कि दारू ये खुद ले जा रहा, उसके खिलाफ केस बना दोगे, क्योंकि आप लोगों को कमीशन मिलता है, आप लोगों को कमीशन मिलता है, इसलिए आप लोग मोबाइल बंद करके सो जाते हैं। ये मत सोचना उमा भारती ने जो बोला है, 15 तारीख का मैं उमा भारती का समर्थन करता हूँ, और दत्री भी है, दत्री अपने दारू दुकान है, चाहे आंबे हो, उदयपुर हो, बुरी हो, पटीवाड़े हो, राजपुर छकला, एक घंटा इधर सुख नहीं देगा, ले नीचे हाथ कर बता रहा, सब बता रहा, और नकली घर ले दारू वाला इन्हें पाँच छकर दे स्वापुर, अपना जो कौन से अपना जो आने वाले समय में अपने समय में कांग्रेस की सरकार को बन से 2023 में मुख्यमंत्री अपने कमलनाथ बन से। अभी कुछ लोग मुझे मालूम पड़ा कि कहते कि हमारे को बीजेपी वालों ने नेवता दे रखा, अरे भाई अगर आपको जाना हो तो मैं सबसे पहले माला पहना के आपको तिलक लगा के बढ़िया श्री फल भेंट के आप चले जाना, लेकिन दगा मत करना। आज जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। आज मध्य प्रदेश पूरे देश में महिला उत्पीड़न में नंबर वन है पूरे देश में, और अगर उस अत्याचारी भाजपा के लोगों को हमको सबक सिखाना है तो हमें एकजुट होकर इस आने वाले उपचुनाव में पूरी ताकत से एक कार्यकर्ता के रूप में काम करना पड़ेगा। मैं खुद पूरी ताकत से एक कार्यकर्ता के रूप में हम बूथ बूथ जाकर आप सबकी लड़ाई लड़ेंगे। मेरी सारी बहनें पीछे बैठी हुई हैं, आगे सारी बहनें बैठी हुई हैं। आज सबकी ताकत है कि आप एक बार जब ठान लेते हैं तो उसको चुनाव जिताकर ही दम लेते हैं। और आज युवाओं को बेरोजगारी के चलते, अभी मैं इस भैया से हमारी बात हो रही थी कि आज मध्य प्रदेश में अगर युवा सबसे ज्यादा परेशान है तो वो बेरोजगारी के चलते हैं। और आज
मंच पर बैठे बैठे हम ये घोषणा करते हैं कि हम भाभरा में एक जबरदस्त युवाओं की रैली निकालेंगे जिसमें पूरे जिले के युवा 20,000 से 25,000 युवा उसमें शामिल होंगे और अपनी युवाओं की ताकत दिखाएंगे। आज आपके पास बीजेपी वाले जो चुनाव के पहले गायब हो जाते हैं और चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं और उसके पहले वापस आ जाते हैं, आपको बोलेंगे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, मुख्यमंत्री से हम ये दिलवा देंगे, मुख्यमंत्री से वो पद दिलवा देंगे। मैं उनसे बोलता हूं तुम्हारे मुख्यमंत्री का ही ठिकाना नहीं है, कितने दिन टिकेगा, वो क्या दे देगा, तुम्हारा ठिकाना नहीं है। आज अगर आपके साथ कोई एक पार्टी रही है आपके सुख दुख में, आदिवासियों के साथ कोई पार्टी खड़ी रही है, सामान्य वर्ग के साथ कोई पार्टी खड़ी रही है, व्यापारियों के साथ कोई पार्टी खड़ी रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। बाकी सब आपका शोषण करने के लिए आएंगे। आज जो ये मंच पर आप ताकत देख रहे हैं, ये चुनाव में भी एक ताकत बनकर आपके लिए लड़ाई लड़ेगी। और जो ये उपचुनाव है, और सही मायने में हम हमारी बहन कलावती भूरिया को श्रद्धांजलि अगर देना चाहते हैं, उसकी आत्मा को शांति देना चाहते हैं, उसकी जो आवाज बुलंद करना चाहते हैं, तो मैं एक ही आप सबसे निवेदन करूंगा एक छोटे भाई के रूप में कि इस उपचुनाव में कांग्रेस को मजबूत करने का और कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ने का आप प्रण ले लो। यहां पर मैं आप सबसे चाहूंगा कि सब दोनों हाथ उठाकर आज यहां से प्रण लेकर जाओ कि हम कांग्रेस को मजबूत करेंगे, कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और जो हमारी स्वर्गीय बहन कलावती भूरिया है, उसके जो आखिरी इच्छा है उसको पूरी करेंगे। सब तैयार हो के नहीं हो, हम सब एक हो गए तो मंच पे भी जगह नहीं मिल रही, और उधर सब एक हो गए तो टेंट के बाहर भी खड़े रहने पड़ गए। ये सब हमारे एकजुटता का कारण है। तू सब बायरा सामल दे, या सब भोपाल ने दिल्ली ने बात कर से आप आदिवासी ने बात करनो छे है ना। आप बोलो खाड़ी तेल का ही भाव है गयो 160 रुपए, डीजल का ही भाव है गयो 110 रुपए, पेट्रोल का ही भाव है गयो 5 रुपया भी नहीं जा सकते पेट्रोल भरे, जाओ अभी हाथ उठा करो, जाओ कि नहीं जाओ भाई, तकलीफ है नहीं है गई नहीं है कहीं गई फूल वाली सरकार को। ये फूल वाली सरकार में ऐसी तकलीफ है जो सीधी में आदिवासी हूँ, आदिवासी में ही बोलूंगा तो इनको समझ पड़ेगा, नहीं तो ये काई 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 बोलेंगे समझ नहीं पड़ी को लाभ ला तक दे सकते हसी। तो बोले अपना तुम खड़े मेरे सभी आदिवासी भाई बुरा मत मानना, कोई बियर दे दे, कोई बट्टी दे दे, कोई गुलाब का दे दे, पर तू तो दारू नहीं पियोगे इसलिए तुम लाए, बोले दारू वाला थोड़ा आज कम कर या? क्या तुमको ज्यादा लाया, हर बार तीन लाया कर दो, आज कोई कहा तो घर रखवाओ करते कहीं डगरा मगरा चार सकते क्या। तो आप अब चुनाव आएगा चौपट विधानसभा का, ऐसा दमदार आदमी को टिकट देना जोशी जी, हम कह रहे हैं जीतना है तो, जीतना है तो। अब ये इतनी भीड़ करी बहुत, कभी काम का खेत में चारा नींदना फिर भी बापड़ी आई, आई नहीं आई काम छोड़ी काई वहां है काई में उठ दे सर हाथ में के और घर वाला ने सबको सिखा दो, तुम्हारी ओडिस का काका बाबा सबको कि हाय हाय बदली क्या मामा जोशी जी रही भाई और साधो जी उन दोनों रंगा बिल्ला को कहना कि गेहूं कौन पकड़ा, तुम्हारा बाप पकड़ता क्या, तुम्हारा एक शिवराज का फोटो है एक नरेंद्र मोदी का फोटो, किसान का फोटो क्यों नहीं लगाया भाई, किसान को क्यों सम्मान नहीं दिया आपने, गेहूं
वो अगर उसको फोटो होता तो हमारा आदिवासी या किसान को लगता कि मैं, और ऊपर से कहते कि देश का अन्नदाता को ही गायब कर रहे हैं लोग। ये जब तक रंगा बिल्ला रहेंगे इस देश में और प्रदेश में, अपना आदिवासी भलू नहीं सर। ओ मामा अपना इसने मामा अपना नकली मामा अपना मामस शिवराज मामस लागे गए तुर अपना मामस तक कोई कोष्टी पेरे लेकर पेरा कोई ऐसे गरीब मामा है वो इतना हेलीकॉप्टर वाला कहा सर छोटे छोटे जाखले बांट के राखी बांध रहे थे। और सब विश्वास दिलाओ कि हम इसलिए आज जोशी जी इकट्ठे करे और ज्यादा आना था, पर फिर भी हमने महेश भाई ने कहा कि भाई एक एक गांव से 30-30, 25-25 लाओ, ये तो बहुत, जिस दिन आप कहोगे ना तो काली राजपुर का मैदान महिला से ही भर देंगे। और इसी के साथ सब भाई अब तेल डीजल पेट्रोल और मीठा तेल का भाव बढ़ गया, इस बीजेपी वालों को ऐसा तेल लगाएंगे कि ये जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हेलो अगले वक्ता से अनुरोध है।